रायपुर के एनआईटी के पास हो रहे चौपाटी निर्माण के विरोध में पूर्व मंत्री राजेश मूलत ने धरना दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के शिक्षण के क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देशभर में कहीं भी एजुकेशन सेक्टर में चौपाटी का निर्माण नहीं है और कहा कि एजुकेशन सेक्टर में छात्रों के भविष्य को सुधारने का काम करें, छात्रों को स्टडी करने के लिए सुविधा मिले, ये लाइब्रेरी का निर्माण करें, लेकिन चौपाटी का निर्माण ना करें। वहीं पूर्व मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि चौपाटी का निर्माण बच्चों के लिए सहयोगी है, खाने के लिए भटकने की आवश्यकता बच्चों को नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसका विरोध करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी गरीब विरोधी मानसिकता को पूरा कर रही है। साथ ही कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, आम व्यक्ति का बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ सके और शिक्षा ग्रहण कर सके, साथ ही सस्ती दरों पर भोजन मिले। भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। यूथ हब का निर्माण होने से इन गरीब बच्चों को वहाँ पर सस्ते दरों पर खाना मिल जाएगा, चाय पानी की व्यवस्था हो जाएगी, उनको खाने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका विरोध करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने गरीब विरोधी मनसूबों को पूरा कर रही है। भाजपा नहीं चाहती कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, आम व्यक्ति का बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ सके और शिक्षा ग्रहण कर सके और उनको सस्ते दरों पर भोजन मिले। देश भर में कहीं पे भी एजुकेशन सेक्टर में चौपाटी का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पर एनआईटी है या साइंस कॉलेज है या आयुर्वेदिक कॉलेज है या संस्कृत कॉलेज है या नालंदा परिसर जैसा एक शानदार स्टडी रूम है, यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है और उसके बीच में चौपाटी लेकर के आना कहीं ना कहीं जा कर के नियम और कानूनों के विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर छात्रों के भविष्य को सुधारने का काम करें, छात्रों को स्टडी करने की सुविधा मिले या और अगर हो सकता है तो लाइब्रेरी का निर्माण करें।